पहला मौका है कि दोनों तरफ से दलित वर्ग का कैंडिडेट राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना है और इसके और ये देन किसकी है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है, ये देन माननीय श्री कांशीराम जी की है, ये देन बहुजन समाज पार्टी की है। तो जिसकी वजह से तो दोनों तरफ से जब एनडीए ने शेड्यूल कास्ट को खड़ा किया तो दूसरी तरफ से भी शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट आया। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज जो वोटिंग हो रहा है, जब रिजल्ट आएगा तो जब भी चुनाव होता है तो एक की जीत होती है एक की हार होती है, जीत हार एक अलग चीज़ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन खुशी की बात यह है कि शेड्यूल कास्ट का आदमी तो देश का राष्ट्रपति बनेगा। मैं समझती हूँ कि ये हमारी मूवमेंट के लिए पार्टी के लिए ये बहुत अच्छी बात है और बीएसपी की वजह से एनडीए को बीजेपी को दलित वर्ग का आदमी राष्ट्रपति पद के लिए उतारना पड़ा। दिस फाइट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और फॉर दैट मैटर इवन फॉर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इज नॉट बिटवीन टू पार्टीज और बिटवीन टू कैंडिडेट्स, इट इज बिटवीन टू आइडियोलॉजीज। सो द प्रेसिडेंट of India is occupying such a position who has to safeguard the interest of the entire nation, so he should be a person and pursue an ideology where in everybody should be equal for him. So there is a, when there's a clash of ideologies, I think our candidate is the best. It is a matter of great moment today that Ram Nath Kovind ji is going to win in a very decisive manner. 40 political parties are supporting him. It is a very proud moment for all of us that Ram Nath ji, a man of his distinction who was with the party, today will be becoming the president with a decisive majority. And as he has said always, and as we know him, he is going to be a textbook president in accordance with the norms of the constitution.